नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार नागपुर श्री महावीर सहकारी गृहनिर्माण संस्था द्वारा कार्तिक जायसवाल, एकनाथराव सव्वाला के प्रीति मुलेवार को सम्मानित किया। कार्तिक अनिल जायसवाल ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। 21 वर्षीय कार्तिक ने पुशअप प्रतियोगिता में 1 घंटे में 3,331 पुशअप कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। एकनाथराव सव्वाला के प्रीति मुलेवार योगाभ्यास का प्रतिदिन निःशुल्क शिक्षा देते हैं। कार्तिक जायसवाल, एकनाथराव सव्वाला के प्रीति मुलेवार का शॉल, श्रीफल, मोतियों की माला, धर्म दुपट्टा, किताब, मोमेंटो देकर मान्यवरों द्वारा सम्मानित किया। इस अवसर पर शरद बेखंडे, प्रोफेसर सुनील जायसवाल का विशेष सम्मान किया गया। अतिथियों का परिचय मनोज बंडे ने किया। समारोह का संचालन डॉक्टर रविन्द्र भूसारी, आभार प्रदर्शन शरद मचाले ने किया। जीतो नागपुर और जीतो एपेक्स डायलॉग विद जीतो एपेक्स नामक एक बैठक आयोजित करेंगे, जहां जीतो एपेक्स और रोम जोन के गणमान्य व्यक्ति जीतो की आगामी परियोजनाओं और भविष्य के दृष्टिकोण का उद्देश्य बनाने के लिए जीतो नागपुर चैप्टर से मिलने आएंगे। यह बैठक कल रविवार 26 जून 2022 को 6:30 बजे नैवेद्यम इस्टोरिया में आयोजित की गई है। इस बैठक में जीतो एपेक्स के चेयरमैन गणपतराज चौधरी, प्रेसिडेंट सुरेश मुथा, वाइस प्रेसिडेंट पारस जैन, जोन चेयरमैन कांतिलाल ओसवाल, जनरल सेक्रेटरी हितेश दोषी अतिथि होंगे। एपेक्स और रोम के सभी मेहमानों का स्वागत जीतो नागपुर के चेयरमैन उज्जवल पगारिया करेंगे। यह कार्यक्रम शाम 7 बजे से नौकर मंत्र और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू होगा। फिर सभी अतिथियों द्वारा संबोधित किया जाएगा, जहाँ वे जे पॉइंट के बारे में परिचय देंगे और कुछ परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। यह तमाम परियोजनाएं जीतो नागपुर और जीतो एपेक्स द्वारा संचालित हो रही है। जीतो नागपुर जीतो बिजनेस मेला के सॉफ्ट लॉन्च का प्रस्ताव रखा जाएगा। कार्यक्रम का समापन नागपुर चैप्टर के चीफ सेक्रेटरी सुधीर चुराना के धन्यवाद के साथ होगा। इस बैठक में नागपुर चैप्टर के चेयरमैन उज्जवल पगारिया आदि मान्यवर उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति की प्रतिनिधि की बैठक मुंबई थाना एलोरी में संपन्न हुई। अखिल भारतीय भोई सेना के संस्थापक अध्यक्ष अशोक गौर का सत्कार गुजरात कैबिनेट मंत्री कुंवर बावलिया तथा विधायक रमेश पाटिल द्वारा किया गया और संगठन का कार्य जैसे महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि शहरों एवं राज्यों में संस्था के सराहनीय कार्य जारी होने पर शुभकामनाएं तथा बधाई दी गई। वाड़ी में भव्य रामलीला का आयोजन वाड़ी के गजानन सोसाइटी गजानन महाराज के मंदिर में भव्य श्री रामलीला का आयोजन किया गया। प्रशांत मिश्रा मंडली मिर्जापुर विंध्याचल धाम से आए कलाकार लोगों ने 13 जून से रामलीला का आयोजन किया है, जिसमें राम जन्म उत्सव, राम बाल लीला, राम विवाह, ताड़कावत, सुग्रीव संवाद, सीता हरण से लेकर रावण वध तक का प्रसंग रखा गया। आज 25 जून को यह कार्यक्रम का महाप्रसाद के साथ समापन होगा। पूरे वाड़ीवासियों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में सहभाग लिया। सभी को इस रामलीला में अपने गांव की याद आई। सभी ने भरपूर सहयोग किया। इस आयोजन में हरिओम सोसाइटी के सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के यांत्रिक विभाग द्वारा भारतीय रेलवे के विकास में दिनों दिन नई उपलब्धियों को हासिल करने का क्रम निरंतर जारी है। साथ ही साथ कर्मचारियों एवं उनके परिवार के मनोरंजन तथा मानसिक, शारीरिक एवं सामुदायिक उत्थान हेतु समय समय पर विविध कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षणों का भी आयोजन किया है। इसी क्रम में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रेलवे कर्मचारियों के विविध आयु वर्ग के बच्चों के लिए नैरोगेज रेल संग्रहालय कामठी रोड मोतीबाग में 1 जून को ओनली वन अर्थ विषय पर ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें रेल परिवार के कई बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भारतीय रेल अपनी सुरक्षा एवं संरक्षा के साथ साथ रेल में प्रवास करने वाले यात्रियों के प्रति भी पूरी तरह से सजग एवं निष्ठावान है। इस बात को प्रमाणित करते हुए कैरिज एवं वैगन डेपो इतवारी में 7 जून को दुर्घटना राहत यान से संबंधित 29 कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा संगठन के कुशल मार्गदर्शन में फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कि वे किसी भी आपदा के समय निडरता से जनसंपत्ति के साथ साथ स्वयं की भी सुरक्षा कर सके। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सप्ताह के अंतर्गत डॉक्टर भदंता आनंद कौशल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा 23 जून को सम्मिश्र पद्धति से बौद्ध साधना में विपश्यना विषय पर आयोजित विशिष्ट व्याख्यान में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंद्रकांत रागिट ने कहा कि विपश्यना एक आसन योग प्रक्रिया है।
हमें इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। विश्वविद्यालय के तुलसी भवन स्थित महादेवी वर्मा सभागार में संबोधित करते हुए प्रोफेसर रागिट ने कहा कि योग किताबों पढ़ने से नहीं बल्कि नियमित प्रयोग से सीखा जा सकता है। विपश्यना की खोज स्वयं तथागत बुद्ध ने की है और उन्होंने इसे आसान तरीके से जनसामान्य के लिए सुलभ बनाया है। विशिष्ट अतिथि एवं नालंदा महाविहार नालंदा के पाली विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद ने बौद्ध साधना में विपश्यना की चर्चा करते हुए कहा कि प्रज्ञा ही विपश्यना है। इस साधना में आनापान सति की प्रक्रिया निहित है। उन्होंने विपश्यना योग पद्धति और बौद्ध साधना में उसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्वागत वक्तव्य संस्कृति विद्यापीठ के पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर नृपेंद्र प्रसाद मोदी ने दिया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णचंद्र पांडे ने किया। राज्य में चल रही राजनीतिक सरगर्मी के बीच आरोप प्रत्यारोप व धमकियों का भी सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी आग नागपुर तक भी पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा राकापा सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ धमकी भरे वक्तव्य पर शहर राकापा में भी आक्रोश देखा जा रहा है। राणे के खिलाफ मामला दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वैराटी चौक पर आंदोलन किया। राणे मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पेठे ने कहा कि पवार के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी या आपत्तिजनक वक्तव्य सहन नहीं किया जाएगा। बताते चले कि राज्य में चल रही राजनीतिक उठापटक के दौरान शरद पवार ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ठीक उसके बाद ही नारायण राणे ने पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि बागी विधायकों का बाल भी बाका हुआ तो उनका घर पहुंचना भी कठिन हो जाएगा। राणे के इस धमकी भरे ट्वीट के बाद से राकापा कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है। पेठे के नेतृत्व में राणे के खिलाफ मामला दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। इन दिनों आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा ग्रीष्म सत्र की परीक्षाएं ली जा रही है, लेकिन लचर कार्य प्रणाली के चलते एक के बाद एक गड़बड़ी सामने आ रही है। गुरुवार को बीएससी के गणित विषय का पर्चा लीक होने की घटना ने विश्वविद्यालय के मॉनिटरिंग सिस्टम की पोल ही खोल कर रख दी। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों में एमसीक्यू पद्धति से परीक्षा लेने को लेकर शुरुआत से विरोध किया जा रहा था। विशेषज्ञों का मानना था कि इस तरह की परीक्षा में गंभीरता नहीं रहेगी, यह छात्रों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। दो वर्ष से कोविड की वजह से ऑनलाइन परीक्षा ही ली जाती रही, इस बार ऑफलाइन परीक्षा ली जानी चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन परीक्षा का निर्णय तो लिया, लेकिन ऑनलाइन पद्धति से जिस तरह से डेढ़ घंटे की परीक्षा ली जा रही थी उसी तरह के पैटर्न को बरकरार रखा। लिखित परीक्षा के बजाय बहुप्रश्न पद्धति से परीक्षा ली जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से कुछ देर पहले संबंधित कॉलेजों के मेल पर पेपर भेजा जाता है। इसके लिए प्राचार्य को आईडी और पासवर्ड भी दिया गया है। पेपर की एक कॉपी निकालने के बाद छात्रों की संख्या के अनुसार उसकी जेरोक्स की जाती है। इस सत्र में 100% सिलेबस कोविड काल में शिक्षा विभाग ने छात्रों को राहत देते हुए पहली से बारहवीं तक पाठ्यक्रम में 25% की कमी थी, लेकिन अब जब कोविड से राहत मिल गई है तो विभाग ने इस सत्र के लिए 100% पाठ्यक्रम को मान्यता दे दी है। इस संबंध में राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद संचालक द्वारा सभी स्कूलों को अवगत करा दिया गया है। कोविड के दौरान लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, वही कुछ महीनों तक ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। छात्रों के नुकसान को कम करने के लिए पाठ्यक्रम में 25% की कटौती की गई थी। 75% सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा में सवाल पूछे गए थे। इससे शिक्षकों के साथ ही छात्रों को भी राहत मिली थी। उम्मीद थी कि छात्रों के लिखने की प्रैक्टिस कम होने के कारण इस सत्र में भी यही राहत जारी रहेगी, लेकिन शालेय शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को जीआर जारी कर स्पष्ट कर दिया गया कि इस बार किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। शिक्षकों की भी मांग थी कि प्रशासन द्वारा सत्र आरंभ होने से वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दे, क्योंकि मुख्याध्यापकों को वार्षिक के साथ ही पाठ्यक्रम का मासिक नियोजन भी करना होता है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में योग सप्ताह के अंतर्गत दर्शन एवं संस्कृति विभाग की ओर से 21 जून को योग की भारतीय परंपराएं विषय पर आयोजित विशिष्ट व्याख्यान में लंदन की मूल निवासी तथा चंद्रमौली फाउंडेशन वाराणसी की सह संस्थापक प्रख्यात संस्कृत साधक डॉक्टर लूसी गेस्ट दिव्य प्रभा ने कहा कि योग मोह से मुक्त करने का रास्ता है, स्वयं को पहचानना ही योग की भारतीय परंपरा है। योग दिवस की संध्या पर महादेवी वर्मा सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने की।
योग मिशन इंग्लैंड की संस्थापक डॉक्टर लूसी गेस्ट ने अत्यंत सरल और सहज हिंदी में दिए वक्तव्य में वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत के अनेक संदर्भ देते हुए योग की महत्ता और योग प्रसार में भारत के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत प्रकाश से भरा हुआ, विद्या से युक्त देश है। पतंजलि के योग विचार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह हजारों वर्ष पुराना है परंतु आज भी नया व उपयोगी है। योग दरअसल भारतीय ऋषि मुनियों की देन है। इसके महत्व के कारण आज दुनिया के हर देश में योग शब्द प्रचलित हुआ है। जिला परिषद की जिन शालाओं में एक ही शिक्षक है या जिन शालाओं में विशेष शिक्षकों की अत्यंत जरूरत है, वहां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश शिक्षा समिति सभापति भारती पाटिल ने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों का मानधन जिला परिषद सेस फंड से नियोजित किया जाएगा। अन्य शालाओं में शिक्षकों की जरूरत को पूरा करने के लिए विविध कंपनियों के CSR फंड से निधि की व्यवस्था करने के लिए CEO के माध्यम से जिलाधिकारी से पत्र व्यवहार करने और संबंधित यंत्रणा के साथ समिति सदस्यों की बैठक आयोजित करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। जिले में लगभग 700 शिक्षकों की कमी का मुद्दा बीते आम सभा में विपक्ष व सत्ता पक्ष सदस्यों ने उठाया था। साथ ही गोंदिया जिला परिषद की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की मांग की गई थी। अब जब इसी महीने की 29 तारीख को सभी शालाएं खुल रही है तो शिक्षा समिति द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है। हालांकि शाला खुलने में महज 4 से 5 दिन ही शेष है तो तत्काल इस पर अमल होगा, इस पर संदेह ही है। एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई। तीसरी लहर के खत्म होते प्रकोप के बाद अब चौथी लहर जोर पकड़ती नजर आने लगी है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में जिले में 95 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से 7 मरीज विविध अस्पतालों में भर्ती है जिनका उपचार जारी है। बुधवार को जिले में केवल 18 पॉजिटिव मिले थे। इससे लग रहा था कि अब संक्रमितों की संख्या इसी तरह कम होती जाएगी, लेकिन गुरुवार को टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही पॉजिटिव भी अचानक बढ़ गए। अचानक रफ्तार बढ़ने से प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सक इसे भविष्य की दोबारा मुसीबत भी मान रहे हैं। यही वजह है कि सावधानी और सतर्कता की अपील की गई है। हालांकि अब मिले संक्रमितों में लक्षण कम होने से वे जल्दी रिकवर भी हो रहे थे। इतना ही नहीं, अनेक लोग तो घर पर रहकर ही ठीक हो गए, लेकिन बारिश के सीजन में संक्रमण तेजी से फैलता है। इस बीच जिले में कुल 2,951 लोगों की जांच की गई। इनमें 95 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिटी में कुल 51 और ग्रामीण में 44 संक्रमित मिले। वित्तीय धांधली को लेकर आरोपी बनाए गए महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु हाईस्कूल संस्थान के अध्यक्ष दीपक बजाज को 12 नवंबर 2015 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से जिला सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट में जमानत के लिए कई बार अर्जियां दायर की गई, लेकिन जमानत नहीं दी गई। स्वास्थ्य की विकराल स्थिति तथा मुंबई में उपचार की आवश्यकता होने के कारण गत समय हाईकोर्ट ने अस्थायी जमानत प्रदान की थी, जिसके बाद 9 सितंबर 2021 को जमानत को स्थायी रूप देकर शर्तों के आधार पर मुहर लगाई गई। शर्तों के अनुसार निचली अदालत में चल रही ट्रायल खत्म होने तक सिटी में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई थी। इस शर्त को शिथिल करने का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने बजाज को सिटी में एंट्री की अनुमति प्रदान की। सुनवाई के बाद अदालत ने एक और जहां याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की, वही सिटी में एंट्री करने के बाद यदि याचिकाकर्ता की ओर से गवाहों पर दबाव डाला गया तो इस आदेश को रद्द करने के लिए अर्जी करने की स्वतंत्रता राज्य सरकार को प्रदान की। पिछले 29 महीनों में नागपुर सेंट्रल जेल से पैरोल पर रिहा हुए 120 कैदी लापता हो गए हैं। जेल अधिकारियों ने सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत एक आवेदन के जवाब में इस मुद्दे पर खुलासा किया। 1 जनवरी 2020 से 31 मई 2022 के बीच कुल 493 कैदियों को जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था। उनमें से 31 मई 2022 तक 373 कैदी जेल वापस लौट आए। शेष 120 पैरोल का नाजायज फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। RTI क्वेरी से पता चला है, जब उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया उस समय COVID-19 महामारी की वजह से कुछ रियायतें दी गई थी, जिस वजह से कई कैदियों को छोड़ दिया गया था। उन्हीं 29 महीनों के दौरान सेंट्रल जेल में कुल 9155 नए कैदी बंद हुए और 8461 या तो जेल से रिहा हुए या जमानत पर छूटे। 31 मई तक नागपुर में कुल 2830 कैदी बंद थे। इनमें सर्वाधिक 991 विचाराधीन कैदी शामिल है। इसके बाद 563 कैदी न्यायिक हिरासत में, 420 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, 347 कैदी कठोर कारावास की सजा काट रहे हैं, 162 मकोका के तहत कैदी है और 126 NDPS के तहत कैदी है। अंकाई किला और मनमाड़ के बीच डबल लाइन के कमीशन करने के लिए मध्य रेल भुसावल डिवीजन के अंतर्गत प्री नॉन इंटरलॉकिंग, नॉन इंटरलॉकिंग
और पोस्ट नॉन इंटरलॉकिंग कार्य संचालित किया जाएगा। इस कार्य के कारण तमाम मेल एक्सप्रेस यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा, इसलिए रेल प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। 24 जून को ट्रेन नंबर 22151 पुणे काजीपेट एक्सप्रेस रद्द रही। आज ट्रेन नंबर 22139 पुणे अजनी एक्सप्रेस तथा ट्रेन नंबर 07197 काजीपेट दादर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। कल ट्रेन नंबर 22140 अजनी पुणे एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 07198 दादर काजीपेट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12114 नागपुर पुणे एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 22152 काजीपेट पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेंगे। परसों 27 जून को ट्रेन नंबर 12136 नागपुर पुणे एक्सप्रेस एवं ट्रेन नंबर 12113 पुणे नागपुर एक्सप्रेस रद्द रहेंगे। मंगलवार 28 जून को ट्रेन नंबर 12135 पुणे नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2823 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,07,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह जुआ अधिनियम के अंतर्गत 15 मामलों में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 25,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,21,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। निश्चय एकेडमी का 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% रहा। गौरतलब है कि शुक्रवार को जारी हुए महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा मंडल पुणे 10वीं निश्चय एकेडमी का परीक्षा परिणाम 100% रहा था। परीक्षा में अधिक निश्चय एकेडमी के कुल 31 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 31 छात्रों ने मेरिट से परीक्षा पास की। परीक्षा में अव्वल सुरभि साहू ने 95%, क्रिश पटले ने 94% और साहिल साहू ने 90% अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर एकेडमी के डायरेक्टर निखिल कुंभारे के साथ सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने खुशी व्यक्त करते हुए सभी विद्यार्थियों को उनके बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एकेडमी के डायरेक्टर निखिल कुंभारे ने कहा कि एकेडमी के द्वारा 100% परीक्षा परिणाम प्राप्त करना उनके लिए बड़े गर्व की बात है, लेकिन उससे भी अधिक हर्ष का विषय उनके लिए यह है कि टॉपर को सूची में छात्राओं ने बाजी मारी है। उन्हें बेहद खुशी है, छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से परीक्षा पास की और 100% रिजल्ट हासिल किया। मनोरंजन के अनंत सागर में अभिनय का स्वतंत्र दीप रहे कॉमेडी के बादशाह अशोक सराफ ज्ञान और मनोरंजन के अद्भुत खेल में हिस्सा लेंगे। वे मराठी सोनी चैनल पर प्रसारित कौन होनार करोड़पति के विशेष शो में आएंगे। इसमें HIV संक्रमित बच्चों पर कार्य करने वाली संस्था के लिए खेल खेलेंगे। यह एपिसोड आज शनिवार 25 जून की रात 9 बजे प्रसारित होने जा रहा है। पंढरपुर के पास HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए काम करने वाली प्रभा हीरा प्रतिष्ठान सेवाभावी संस्था के लिए अभिनेता अशोक सराफ खेलेंगे। शो में उनके छोटे भाई सुभाष सराफ और पत्नी निवेदिता सराफ की बहन डॉक्टर मीनल परंजपे भी भाग लेंगी। फिल्मी दुनिया में 50 साल पूरे करने वाले अभिनेता अशोक सराफ ने बनवा बनवी, धूमधड़ाका, नवरा माझा नवसाचा जैसी कई हिट फिल्में दी है। इस शो में उन्होंने सीने दुनिया की कई यादों को उजागर किया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू करने के पहले अशोक सराफ बैंक में काम करते थे। ऐसे कई किस्सों को उन्होंने उजागर किया है। उन्होंने मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर के साथ एक नाटक में भी काम किया और उनके साथ क्रिकेट खेलने के किस्से बताए। भाजपा शिवसेना युति सरकार के कार्यकाल में 2429 करोड़ रुपए की लागत से 50 करोड़ पौधे लगाए गए थे, जिसकी 6 महीने में जांच पूरी करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, परंतु हैरानी की बात है कि 15 महीने बाद भी जांच अधूरी है। ऐसे में जांच के पूर्ण होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। फडणवीस सरकार के दौरान 50 करोड़ पौधे लगाने की जांच जारी है। हर जिले के अधिकारी निजी नर्सरी से खरीदी गई 3 साल पुरानी पौधों की जानकारी जुटा रहे हैं। इस संबंध में अधिकांश जिलों में बैठक हो चुकी है। यह सारी जानकारी नियुक्त विधानमंडल की तदर्थ समिति को उपलब्ध कराने के निर्देश आला अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। फरवरी में कमेटी की बैठक होनी थी, इस संबंध में पूरी जानकारी भी जुटाई गई है। हालांकि कोरोना के प्रकोप के कारण समिति का दौरा रद्द कर दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि समिति कब आएगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब तत्कालीन वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 3 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने के अभियान की घोषणा की थी। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।